अंतर्राष्ट्रीय कार्तिक मेले में सुरक्षा को लेकर सुरक्षा एजेंसी पूरी तरह सतर्क और मुस्तैद है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि पुष्कर में पिछले 15 दिनों में दूसरी बार ईआरटी दस्ते ने पुष्कर के महत्वपूर्ण स्थानों और बाजारों का जायजा लिया। शनिवार को ईआरटी टीम ने जगत पिता ब्रह्मा मंदिर में सुरक्षा के मद्देनजर पूरे मंदिर परिसर का बारीकी से निरीक्षण किया। इसके बाद मुख्य बाजारों और सरोवर के आसपास के स्थानों का भी मुआयना किया। इसी कड़ी में ईआरटी टीम ने इजरायलों के धर्मस्थल बैत खबात का भी जायजा लिया। दल ने मौके के भौगोलिक स्थितियों का अध्ययन कर किसी भी संभावित हमले का मुंह तोड़ जवाब देने का अभ्यास किया। रविवार से शुरू होने जा रहे अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले में आने वाले श्रद्धालुओं और विदेशियों की सुरक्षा में 1,500 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। पुष्कर मेले के मद्देनजर अजमेर पुलिस को कुछ निजी कंपनीज भी सहयोग कर रही हैं। पुलिस अधीक्षक गौरव श्रीवास्तव के अनुसार पुष्कर मेले के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए 1,500 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। पुलिस बल में अजमेर के साथ ही नागौर, भीलवाड़ा और टोंक के अधिकारी और जवान भी शामिल होंगे। इसी के साथ आरएसी की 4 बटालियन भी मेले की सुरक्षा के लिए तैनात की जा रही है, जो रविवार से अपना मोर्चा संभाल लेंगी। संपूर्ण मेला क्षेत्र पर नजर रखने के लिए ऊंट सवार पुलिसकर्मी दिन भर गश्त करेंगे। पुष्कर मेले में 1,500 से अधिक पुलिसकर्मी, जिसमें सिविल पुलिस भी है, जिसमें आर्म्ड पुलिस भी है, उसमें प्रशिक्षित गोताखोर भी हैं, ट्रैफिक पुलिसकर्मी भी हैं, ये सभी शामिल हैं। 1,500 से अधिक पुलिसकर्मी पुष्कर मेले की व्यवस्था में लगाए गए हैं। इसमें अजमेर पुलिस के साथ साथ अजमेर रेंज के 3 जिलों का जाप्ता है, नागौर, भीलवाड़ा, टोंक का जाप्ता है, आरएसी की 4 कंपनियाँ हैं, राजस्थान के लगभग सभी रेंजेस से थोड़ी थोड़ी संख्या में पुलिस बल इसमें लगाया गया है, और इसके साथ साथ होमगार्ड वॉलंटियर्स भी इसमें ड्यूटी में लगाए गए हैं। पुष्कर मेले के दौरान पुलिस इंतजामों पर संसाधनों की कमी का असर नहीं हो, इसी वजह से कुछ निजी कंपनियां भी आगे आई हैं। शनिवार को पुलिस अधीक्षक गौरव श्रीवास्तव को एक निजी कंपनी ने लाखों रुपए की लागत के रिफ्लेक्टर जैकेट, लाइट बेटन, लाइफ सेविंग इक्विपमेंट और पब्लिक एड्रेस सिस्टम भी भेंट किए हैं। इस निजी कंपनी के सहयोग से मेला क्षेत्र में 2 बड़ी LCD स्क्रीन भी लगाई जाएगी, जिन पर पूरे दिन मेले की रौनक के साथ ही आवश्यक सूचनाओं और जानकारियों का प्रसारण किया जाएगा। पुष्कर मेले की तैयारियों के क्रम में एमवे कंपनी द्वारा अजमेर पुलिस को सपोर्ट करने के लिहाज से और आम जनता की सुरक्षा के लिहाज से एक पहल करके काफ़ी सारे उपकरण सामग्री अजमेर पुलिस को उपलब्ध करवाई गई है। इसके साथ साथ प्रचार प्रसार पर भी काफ़ी जोर एमवे कंपनी द्वारा दिया जाकर काफ़ी संख्या में पोस्टर्स, बैनर्स, होर्डिंग्स, वार्निंग साइंस और समाचार पत्रों में भी वितरित किए जाने वाले लीफलेट्स छपवाए गए हैं, जिसमें मेला संबंधी जानकारी उपलब्ध है। इसमें मेले में किस प्रकार से सावधानी बरतें, क्या चीज़ की जाए, किन चीज़ों से बचा जाए, जिससे आम जनता की सुविधा, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके, ऐसी जानकारियाँ उन्होंने